नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं जेएसआर टेक्निकल। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप मार्कशीट से जो है लोन ले सकते हो। यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड हैं इसी टॉपिक पे, लेकिन उसमें सारी चीज़ें बताई तो गई हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, क्या क्या लगे, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि आपको लोन लेने के लिए करना क्या होगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा, 3 से 4 मिनट का वीडियो अगर आपने इसको पूरा देख लिया, तो आप मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% जो है मार्कशीट से जो लोन ले पाएंगे। तो कहीं पे वीडियो को स्किप ना करें, आपका समय बर्बाद ना करते हो, अपन सीधा अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हमें करना क्या है यहाँ पर, कई बार जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि कई बार केवल बिजनेस के लिए ही नहीं बल्कि आगे पढ़ने के लिए मार्क्स लोन लिया जाता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि कोई अपना बिजनेस करने के लिए ही मार्क्सशीट लोन ले, किसी को अपनी आगे की पढ़ाई को रेगुलर करने के लिए भी मार्क्सशीट पर लोन लेते हैं। तो जो कि हमें यहाँ काफ़ी ज़्यादा जरूरत होती है, यहाँ पे लिखा है दस्तावेजों की जरूरत काफ़ी हद तक समान रहती है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब सेम ही लगेंगे। अगर आप बिजनेस के लिए ले रहे हो, अपनी पढ़ाई के लिए ले रहे हो लोन, तो आपको जो है जो डॉक्यूमेंट समान ही लगेंगे। या आपको किसी जो है संस्था में जो है यहाँ पे एडमिशन लेना है या किसी भी चीज़ के लिए आपको लोन चाहिए, तो आपको जो है समान ही दस्तावेज यहाँ पे आपके लगेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा है लोन लेने से पहले आपकी क्षमता ठीक तरह से जांच लें, यानी कि आपके जो मार्कशीट में जो परसेंटेज वगैरह है। तो दोस्तों, लोन लेने से पहले आपको करना होगा, आपको पता करना होगा आपको कितने तक का लोन चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है कि लोन लेने से पहले अपनी क्षमता को थोड़ी जाँच लें। किसी भी बैंक संस्था लोन लेना बिल्कुल सही रहेगा, आपके अपनी जरूरत की क्षमता परख लेकर निर्धारित करें कि किस राशि की आपको आवश्यकता है, यानी कि आपको जितने लोन की आवश्यकता है जो आप जो है उतना ही लोन लें, ज़्यादा फालतू का लोन अपने लिए ना लें, जैसे कि आपको मार्केट पर जो आसानी से लोन मिल सके। अब दोस्तों, सेकंड बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर देखा है कि पहले आपको निम्न एरिया पता करना होगा कि यानी कि आपको अपने बैंक, अगर आपके पास कोई बैंक आसपास कोई बैंक है जिसमें आपका खाता है, उसमें आपको पता करना होगा कि वो आपको लोन प्राप्त कर भी देगी या नहीं। अगर नहीं कर देगी तो आपको किसी अदर बैंक में ट्राई करना है, यानी कि आसपास आपके जो भी बैंक है उसमें आपको पता कर लेना। अगर बैंक नहीं है तो आपके पास कोई छोटी मोटी बैंक या फाइनेंस कंपनी या छोटी मोटी कुछ ऑफिस होगी जहाँ पर आप जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको लोन मिल पाएगा या नहीं। और मैं आपको बता देता हूँ कि मार्कशीट लोन कहाँ से प्राप्त करें। जरूरी नहीं है कि दोस्तों कि आपको बैंक ही लोन दे, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है मार्कशीट लोन लेने में सहकारी बैंक, गैर सरकारी या फाइनेंस कंपनी में जो है आपको आप जाके उसके पास जो है आवेदन कर सकते हैं, जो आपको आसानी से लोन दे देगी। आपको यहाँ पे मेन चीज़ याद रखना है इंटरेस्ट रेट, यानी कि आपको जो बैंक में जो लोन देगी उस पर कितना इंटरेस्ट आपसे लेगी और कितना जो है लोन प्रदान करती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। और हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो है जो हमें सर्टिफिकेट जो है 10वीं और 12वीं की जो भी मार्कशीट, उसमें हमें क्या क्या जो है सर्टिफिकेट जमा करने होंगे अपने जो है बैंक में, जिससे कि आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, उसको आपको अच्छे से आसानी समझ में आ सके। दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर सर्टिफिकेट, यानी कि 10th या 12th की मार्कशीट जिस पर भी आप लोन लेना चाहते हैं वो आपको होनी चाहिए। सेकंड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, कॉलेज अगर आप कॉलेज में हो तो आपके पास जो कॉलेज का प्रमाण दस्तावेज होना चाहिए, और आपके पास बिजली का बिल, राशन कार्ड या टेलीफोन बिल, इनमें से तीनों में से किसी एक चीज़ का होना जरूरी है। और सबसे मेन जिससे कि आपको जो है लोन पास होगा आपका, वो है 3 से 6 महीने का पुराना बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि बैंक जो है अगर आपको लोन प्रोवाइड कराएगी मार्कशीट पे तो आपके बैंक स्टेटमेंट को देख के ही कराएगी, यानी कि आपका जो है बैंक में जो है स्टेटमेंट वो अच्छा होना चाहिए। तो कम से कम 3 से 6 महीने का आपका बैंक में स्टेटमेंट होना चाहिए, तभी आपको लोन मिलेगा। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, मेन बात आपको बता दूँ कि आपको करना क्या है। आपको अपने ये सारी चीज़ें जानकारी आपको बैंक में जाकर पहले पता करनी है कि किस बैंक से हमें लोन मिल सकता है। अगर वो बैंक वाले कहते हैं जी हाँ मार्कशीट पर लोन देते हैं, तो आपको उनके पास ये सारे सर्टिफिकेट जो जो मैंने आपको बताए, ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे सबमिट कर देने हैं, और वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट का पता कर लेना है कि वो इंटरेस्ट रेट कितना आपसे लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आपको जो मार्कशीट पे आसानी से लोन मिल जाएगा। और आप यदि पढ़ाई के लिए करना चाहते हो तो पढ़ाई कर सकते हो, और यदि आप बिजनेस के लिए करना चाहते हो तो आप बिजनेस भी उससे आसानी से कर सकते हो। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना।